तो दोस्तों फाइनली काफी लंबे इंतजार के बाद अब भारत ने डिसाइड कर लिया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक हब बनने के लिए एक नई स्कीम लाएंगे और यहाँ पर अभी सेमीकंडक्टर को टारगेट किया गया है। जी हाँ, सेमीकंडक्टर चिप जिसकी अभी फिलहाल पूरे ग्लोबली काफी बड़ी शॉर्टेज चल रही है और ऑलमोस्ट सब सेक्टर इससे काफी ज्यादा इफेक्टेड है, चाहे वो स्मार्टफोन्स देन ऑटोमोबाइल, ऐसे तमाम सारे सेक्टर्स बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। सो अब यहाँ पर सरकार डिसाइड कर रही है कि वो 76,000 करोड़ की एक इंसेंटिव स्कीम लाएंगे ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर तक, ये पूरी तरह से वैलिड होगी। इस स्कीम के चलते अब यहाँ पर इनका सबसे बड़ा एम्बिशियस टारगेट यही है, भारत के भीतर ये लोग 20 सेमीकंडक्टर्स डिजाइन कंपोनेंट डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को लाना चाहते हैं। देश विदेश की जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, ताइवान है, साउथ कोरियन कंपनी, इन सभी बड़े बड़े चिप मैन्युफैक्चरर्स को वो इंडिया के भीतर अट्रैक्ट करेंगे इस स्कीम से। नाउ अब ये जो PLI स्कीम लॉन्च करेंगे, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ही सबसे बड़ा फोकस नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पर हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें इस पर भी काफी ज्यादा फोकस दिया गया है। ये सेमीकंडक्टर पॉलिसी भारत में काफी अहम रोल प्ले करेगी, एक रिवोल्यूशन ला देगी इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग बेस को, ये और ज्यादा गहराई तक ले जाएगी। इस स्कीम से अब इनका ऐसा भी प्लान है कि 10 यूनिट हर एक डिजाइनिंग देन मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स इन सब की यूनिट सेट करेंगे 10-10, एंड उसके बाद 1-2 यूनिट डिस्प्ले फैब्रिकेशन की भी ये लोग लगा देंगे। वैसे पिछले काफी समय से सरकार यहाँ पर प्रयास भी कर रही है बड़ी बड़ी कंपनीज को इंडिया के भीतर अट्रैक्ट करने में, यहाँ पर इनफैक्ट $1 बिलियन भी सरकार देने को तैयार थी उन हर एक कंपनी को जो इंडिया के भीतर आकर अपने प्लांट को लगाए, सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करे। बट कंपनीज यहाँ पर काफी बार कंप्लेन कर चुकी है कि एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है भारत में अभी फिलहाल, लाइक सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी देन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर, ऐसी तमाम सारी बातें गिनाने में लगी हुई थी। बट फाइनली यहाँ पर सरकार भी काफी सारे स्टेप्स ले रही है, चाहे वो PLI स्कीम ही क्यों ना हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना ही क्यों ना हो। वेल, अब स्कीम तो डिसाइड कर ली गई है ना, यहाँ पर नेक्स्ट वीक के भीतर ही कैबिनेट की तरफ से इसे जल्द ही मंजूरी भी मिल सकती है। इससे जुड़ी और ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में कुछ आर्टिकल्स की लिंक चेकआउट कर सकते हो।